हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बनाएंगे चटपटी चटखारेदार आंवले की चटनी। ये बेस्वाद खाने को भी स्वादिष्ट बना देती है और ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और आंवला हमारे बाल और स्किन को भी बहुत हेल्दी रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं चटपटी चटनी बनाना। तो ये चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 4 आंवला। इसे धो के बीज अलग कर लिया है और टुकड़ों में काट लिया है। 3 हरी मिर्च लिया है और 1 टुकड़ा अदरक लिया है। और इन सबको ले लेंगे हम एक चटनी जार में। और ये लिया है हमने 6-7 कली लहसुन की और आधा चम्मच सादा नमक और ये आधा चम्मच काला नमक, जो चटनी का टेस्ट और भी चटपटा बना देगा। और ये थोड़ा सा जीरा। और ये हमने लिया है चटनी का सीक्रेट। आप कहेंगे सीक्रेट क्या है, ये तो धनिया की पत्ती है। पर इस धनिया की पत्ती में ये जो डंठल की मात्रा हमने बहुत ज़्यादा रखी है, क्योंकि धनिया का पत्ता हम इस्तेमाल कर लेते हैं और डंठल को अक्सर फेंक देते हैं। पर जब हम इसे चटनी बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। तो आप भी डंठल को फेंकिए मत और इसे चटनी में इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें डाल देंगे 4-5 चम्मच पानी और इसे एक बार चला लेते हैं, क्योंकि धनिया थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो अब बची हुई धनिया और डंठल को भी इसी में ले लेंगे और ढक्कन लगा के इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही शानदार सी मस्त चटपटी चटनी बनके तैयार हो गई है और इसे देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है। तो आप इसे दाल, चावल, रोटी, पराठा, जिससे भी इच्छा हो खाइए। और ये जब तक आंवले का सीजन है तब तक बनाते रहिए और खाते रहिए। तो दोस्तों, ये चटपटी चटनी का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बनाते रहिए और खाते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।